नमस्कार मैं दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा और इन वन चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सैलून में शैम्पू चेयर किस तरीके से फिट की जाती है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जल्दी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसको शैम्पू चेयर बोलते हैं। ये आपके सामने हम जो दिखा रहे हैं, इसको शैम्पू चेयर बोलते हैं। इसको किस तरीके से फिट किया जाएगा, हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे कनेक्शन दे चुके हैं, कोल्ड है और हॉट है, इन दोनों का कनेक्शन हम जहाँ पे कर चुके हैं। और नीचे जो कनेक्शन रखा है, इसमें हम वेस्ट पानी की पाइप जो डालेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये एक शैम्पू चेयर जो होती है, जिसमें बालों को धोया जाता है, वॉश किया जाता है, वो उसके लिए जे सैलून में फिट की जाती है। सबसे पहले हम पीवीसी कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट करेंगे, हॉट एंड कोल्ड आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जे पीवीसी कनेक्शन कर लेते हैं। पहले हमने हॉट वाटर का कनेक्शन किया, जो पीवीसी कनेक्शन है, हॉट वाटर पॉइंट के साथ इसको लगा लेते हैं। और फिर हम उसके बाद कोल्ड वाटर वाला कनेक्शन करेंगे। और इस शैम्पू चेयर के साथ जो हैंड जेट शॉवर दिया जाता है, इसको हम कनेक्शन पहले से ही कर चुके हैं। इस हैंड जेट से ही जो वाल को वॉश किया जाता है, वालों को वॉश किया जाता है। तो ये सैलून में आपको जो मिलेगी, आप देख सकते हो किस तरीके से इसका फिटिंग की जाती है। तो दोस्तों, ये नया नया अभी सैलून बन रहा है, जहाँ पे हम सीटें चुटे वगैरह सब कुछ फिट कर रहे हैं। अब ये वाले हमने वेस्ट वाली जो पाइप डाल दी है और कनेक्शन कर दिया, अब हम चेक करके भी दिखाएंगे कि जो हमारा हैंड जेट शॉवर है काम करता है या नहीं करता है। इसमें दोनों सिस्टम चलेंगे, हॉट एंड कोल्ड। अब चेक करते हैं, हमने कनेक्शन दे चुके हैं, आप दे सकते हो पानी के चल चुका है, प्रेशर भी अच्छा बढ़िया है। इसी तरीके से आप जो शैम्पू चेयर को फिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हम नई नई जानकारियाँ, नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं। तो अभी ये नया नया सैलून बना हुआ है, मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखाता हूँ सैलून किस प्रकार से बनाया चुका है ये। अब हम इस हैंड जेट शावर को रखने के लिए जहाँ पे एक हुक लगा देंगे, जहाँ पे इसको रखने के लिए जो टांगा जाएगा, जहाँ पे पहले हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं जो कहाँ पे सेट रहेगा। तो हमने जहाँ पे इसको सेट कर दिया है, और इसकी हुक को जहाँ पे लगा देंगे, तो हैंड जेट शावर को जहाँ पे ही इसको
जो रखा जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।